क्या भाई शिवांग, गोल्स गैलोर देखकर मजा तो आ गया भाई। 9-0 वाले मैच की बात करें अभी। लिवरपूल ने 9 गोल ठोक दिया लेट्स टॉक यार अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी कोई भाई। दिक्कत नहीं बोर्नमथ, है, यूनाइटेड हरा चुका है अभी लिवरपूल को। जो करना है करे, डू व्हाट एवर दे वांट टू डू मैन। जस्ट डू नॉट ट्रबल योर मदर भाई। अच्छा खेले भाई, अच्छा खेले। पर बोर्नमथ बोर्नमथ तो रेलिगेटेड ही लग रहा है यार। अभी जैसा जा रहा है सब गेम्स उनका, स्कॉट मतलब अब पार्कर मुझे लग रहा है अगेन। भाई, अब मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने जो फर्स्ट गेम वीक में एस्टन विला को 2-0 हराया था, मतलब वो फ्लूक फ्लूक लग रहा है क्या? क्या सीन था ऐसा? शी, मतलब लकी, मतलब दे क्योंकि आर आज तो डिजास्टर डिजास्टर परफॉर्मेंस भाई, मतलब वर्स। भाई। मेरे को उन्होंने साउदहैम्पटन की याद दिला दी यार। साउदहैम्पटन 2 बार 9-0 हार चुका है लेस्टर और इधर यूनाइटेड इधर अभी बोर्नमथ वोट क्लब में ज्वाइन हो गया 9-0। हाँ हम भी है बट भाई स्कॉट पार्कर का एक चीज है, वो प्रीमियर लीग आता है और रेलिगेट करवाता है टीम्स रेलिगेशन गलाने से याद आ गया इस मैच का भाई। शो रनर तो एक ही था भाई, सर बॉबी भाई। फर्मिनियो। शॉकिंग एज फक, शॉकिंग अभी एज अपन ने फक। भाई क्योंकि हम लोग भाई अपन एग्जैक्टली भाई, हम लोगों ने ये बात किया था कि ही इज लॉस्ट। इसने इसका वो फॉर्म चला गया, इसका वो पैशन चला गया फुटबॉल को लेकर, लिवरपूल को लेकर, और इसने जस्ट नेक्स्ट मैच में 3 असिस्ट 2 गोल। ओ भाई, एक्स भाई भाई लेवल इसने यार। फोर्डम फोर्डम किया ठीक है। असिस्ट मतलब सारे असिस्ट ऐसा अच्छे असिस्ट नहीं थे, ठीक है मिल गए एक वैसे वाले हार्वी असिस्ट एलियट थे। वाला हाँ, तो मटका असिस्ट था भाई, हार्वी लंदा एलियट टच था वाला भाई फुल मटका उसका। असिस्ट था, मतलब दैट वाज ऑल क्रेडिट टू हार्वी एलियट कि उसने बहुत ही सही सेक्सी गोल मारा। बट एनी हाउ, नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम बॉबी फर्मिनो, बिकॉज वो जिस तरीके से आज खेला। अपन लास्ट पॉडकास्ट में यूनाइटेड के मैच के बाद यही तो बात कर रहे थे कि द वे लिवरपूल प्ले और द वे क्लॉप मेक्स लिवरपूल प्ले, वो इस तरीके से खिलाता है कि उसका फॉरवर्ड इस तरीके से खेलेगा कि तुम्हारी पूरी टीम बहुत स्कोर कर पाए। और उसने एग्जैक्टली आज वैसे ही सेम खेला बॉबी सेम फर्मिनो ने, कि इसीलिए तो नजर आ रहा है 9-0। पूरा फ्रस्ट्रेशन निचोड़ निचोड़ के निकाला है कि तो बोर्नमथ भाई बेचारी मैंने यार कोई और मिला नहीं, मारते गए भाई बोर्नमथ को ये लोग मैंने लास्ट मैच भी, लास्ट पॉडकास्ट में भी यही चीज बोला था कि लिवरपूल ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला है। अभी जितने प्लेयर्स यूनाइटेड के अगेंस्ट बहुत ही गंदा खेल रहे थे, नहीं। हाँ भाई लास्ट सब लोगों ने अपना ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है मेरे को लगता है पूरे सीजन का। बॉबी हाँ फर्मिनो तो भाई फॉर श्योर। बॉबी फर्मिनो तो यार स्माइलिंग असैसिन, वो जो उसका हैप्पीडेंट वाला स्माइल है यार भाई, उसका हैप्पीडेंट वाला स्माइल देखे उसने, जो आज उसने जो कारनामे दिखाया है, मतलब ऑल कुडोस दैट फाइव गाय। फाइव गोल इन्वॉल्वमेंट, मतलब काफी होता है भाई। कोई भी टीम हो, अगर तू प्रीमियर लीग खेल रहे इसके तो पास भी कोई भी टीम ऐसी मैं खराब होती नहीं है। आई जॉइन माई हैंड्स एंड बाउ डाउन, जिसके पास भी FPL में बॉबी फर्मिनो था अपनी टीम में, सीरियसली भाई, आई सीरियसली। बाउ डाउन रिस्पेक्ट टू यू ऑल कि आपके पास बॉबी फर्मिनो था। एंड रिस्पेक्ट 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 एंड रिस्पेक्ट टू योर रिस्पेक्ट लक ऑल्सो, रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टू योर लक प्लेयर। ऑल्सो, मतलब वो आई थॉट अंडरस्टूड आई एम बट भाई बहुत मजा आया यार। उन लोग ने पेल ही दिया भाई, लुइस डियाज इम्प्रेसिव तो भाई, अपन वेरी हमेशा अच्छा इम्प्रेसिव। बात कर रहे थे। पैलेस के बाद गेम के बाद भी अपन ने उसका तारीफ किया था कि यार उसने सिंगल हैंडेडली गोल मार के थोड़ा वो एक फाइट जगाया था। और आज भी उसने गोल, पहला गोल मतलब जो शुरुआत हुआ 9-0 का, वो बैम 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 का शुरुआत इसने ही किया भाई, फर्स्ट एंड गोल भाई और लास्ट गोल। इट्स हाई टाइम फॉर लिवरपूल फैंस टू गिव हिम क्रेडिट व्हाट ही डिजर्व्स। मतलब ये जब से आया है तब से ये बैंग ऑन खेल रहा है, सो इम्प्रेसिव भाई। मतलब एक भी मैच अभी तक मैंने यूनाइटेड के मैच को छोड़ के ऐसा देखा नहीं है लुइस डियाज को कि ये स्ट्रगल कर रहा है कहीं पे, या बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रहा है, गंदे पासेस कर रहा है, कभी नहीं भाई। ट्रू दैट मैन, ट्रू दैट, मतलब सब लोग बस साला 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 का ही बात करने हमेशा में भाई रह जाते हैं, हमेशा। पर भूल जा रहे, मतलब इसीलिए जब हार रहे थे और ड्रॉ कर रहे थे तो अचानक से सब लोग को सादियो माने याद आ गया। अभी बट आज जब नाइन नील उस टाइम पे भी लिवरपूल फैंस ये नहीं बोल रहे थे कि लुइस डियाज इज प्लेइंग गुड। एग्जैक्टली, मैं वही वही उसी बात पे नोटिफाई करने देख रहा हूँ। मतलब हम दूसरे
अभी नाम नहीं लेना चाहता लोगों के, बट हमने देखा है एग्जैक्टली लोगों के चैनल्स में भी जो सपोर्ट करते हैं लिवरपूल को, या दोस्त लोग में भी जो सपोर्ट करते हैं। मैंने भी एक दूसरे से बातें करी है, तो उनमें से किसी से मैंने कभी ये चीज़ कहते हुए सुना ही नहीं कि यार डियाज, मतलब व्हेन यू गाइस वर नॉट प्लेइंग गुड, वो फर्स्ट 3 गेम्स में जब सिर्फ 2 पॉइंट्स है ऑन द टेबल, तो तब किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि डियाज ट्राई कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, या कोई किसी के इससे ऐसा कुछ सुना ही नहीं। आज भी फर्स्ट गोल इनिशिएट उसी ने किया, लास्ट गोल भी मारा भाई, ही इज़ नॉट वन ऑफ द टॉलेस्ट गाइज ऑन द पिच मैन, बट बंदा हेडर मार रहा है वहाँ पे यार। प्रॉपर प्रॉपर हेडर मैं तो सेम काफ़ी सेम गाइस इम्प्रेस्ड हूँ बंदे को देखकर, जो उसने गोल पैलेस के अगेंस्ट भी मारा, आउट ऑफ द वर्ल्ड स्पेक्टेकुलर गोल था। क्रेजी आज भी गोल था उसने वो, तो दो क्रेजी आज गोल भी था दो ये। हेडर मारे है उसने, तो बंदे में कुछ अलग ही जहाज दिखाई दे रहा है यार, कि ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर और ही इज लुकिंग रियली गुड। ही डिजर्व्स द क्रेडिट जो उसको अभी तक दिया नहीं जा रहा है या मिल रहा नहीं है। मतलब आई थिंक लिवरपूल फैंस भी शायद इसलिए रुके हैं कि उसका जरा वो कंसिस्टेंसी देखे कि डियाज कितना ठोक रहा है, कितना इन्वॉल्व हो रहा है करके, बट आई फील कि लास्ट सीजन भी भाई मेरे को लगता है ऑप्शन इसने डिसअपॉइंट तो किया नहीं था, मेरे को एक भी मैच ऐसा याद नहीं है कि इसमें इसने कुछ ऐसा डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटमेंट जैसा मैच खेला एग्जैक्टली हो, आया इम्प्रेस ही नहीं कभी किया था हो। हाफ लास्ट सीजन के सीजन जैन विंडो में ही जैन तो आया, विंडो ये हाफ में ही तो आया, तो मे बी दैट इज द रीजन ऑल्सो मे बी वाई नॉट मैनी, मतलब इसको वो क्रेडिट देते हुए या बात कर प्रॉपरली रहे हैं कि वो हाफ सीजन ही आया करके, तो पता नहीं चला, बट ये सीजन सबको पता चलेगा कि वो किस लेवल का प्लेयर है, बिकॉज ही हैज़ टू फिल द शूज जो माने छोड़कर गया है क्लब के लिए टोटली या भाई टोटली निकल गया है। ठीक है, वन ग्रेट न्यूज़ फॉर देम इज कि आज बॉबी फर्मिनो अच्छा खेल गया, और अभी 3 मैच बैन में से 2 मैच बैन खत्म हो चुके हैं डार्विन न्यूनियस के, तो फैंस भी अब सोच रहे हैं या वेट कर रहे होंगे कि चलो डार्विन वापस आएगा तब होगा करके। आई स्टिल हैव नो न्यूज़ या अपडेट कि जोटा कब तक वापस आएगा करके, बट सेम 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 एक बार जोटा भी वापस आ जाएगा तो यार लिवरपूल भी अपने फुल स्ट्राइड में आ जाएगी शिवांग, तब अपन नई मजाक उड़ा पाएंगे कुछ उनका, अभी ही टाइम है बेटे कि मजे ले लो उनके, सो बाद में ये अगर लोग भाई एक बार अपने इफ विन आई रन पे एग्जैक्टली आ गए लिवरपूल ना, फिर अपने को भी पता है कि यार ये लोग मतलब दिल बी लाइक अ पेन इन दी एस मैन, आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज बट बट मैं अगर तेरे को अभी ऑनेस्टली बताऊँ ना, लिवरपूल टीम अभी भी गंदी नहीं है यार। अबे गंदी तो बिल्कुल भी नहीं है यार। जो डिफेंडर्स की हम मजाक उड़ा रहे थे गेम वीक 1 2 सबके बाद कि वैन डाइक को क्या हो गया ये सीजन, या नॉट जस्ट अस इवन लिवरपूल फैंस वर आल्सो फ्रस्ट्रेटेड एंड क्वेश्चनिंग कि वैन डाइक को क्या हो गया भाई, वो इंजरी से वापस आने के बाद से सेम नहीं लग रहा करके, बट आज द डिफेंडर्स ऑल्सो कमिंग ऑन द स्कोर शीट इज लाइक अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर देम कि वैन डाइक भी अभी स्कोर शीट पे आ गया, तो बंदा विल बी वेरी हैप्पी कि मैं स्कोर शीट पे आया। ट्रेंट ने भी मस्त उसका टिपिकल आउटसाइड द बॉक्स शूट क्रेजी जो गोल भाई क्रेजी साया गोल है क्रेजी गोल ट्रेंट भाई, वो कमेंटेटर शिवांग कमेंटेटर कमेंटेटर का डायलॉग क्या था पता है उसके, वो गोल के बाद इट सीम्स लाइक ट्रेंट इज मेकिंग इट लाइक हिज यूजुअल टैपिंस द टैपेंस गोल्स दैट ही हैज राइट स्कोरिंग राइट दैट राइट ही स्कोरिंग राइट भाई, उसका वो राइट टैपेंस जैसा, वो ट्रेंट का आउट टैपेंस ऑफ द जैसा बॉक्स होता है मारता है कि वो। वो बाहर से आउटसाइड द बॉक्स घुसाएगा बूम बट अभी ट्रेंट का भाई ये चीज हम लोग भाई कभी भी लिवरपूल को ऐसा वो नहीं कर सकते, हमेशा मजाक ही उड़ाएंगे। बट इफ मेरे को अभी जितने भी प्लेयर्स याद है राइट बैक, मैंने आज तक ट्रेंट जैसा अटैकिंग राइट बैक कोई नहीं देखा है, यू जो मीन कि एंटायरली राइट नाउ नॉट जस्ट इंटायरली लिवरपूल, अरे ऑफ इंटायरली कोर्स यार ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, मतलब इंटायरली और ट्रेंड भाई कितने सालों से कंसिस्टेंटली ये चीज सिंस प्रूव कर 2018 रहा है परफॉर्म कर करके, आई थिंक तो इट्स फाइव सीजन अभी नाउ, फोर फिफ्थ और फाइव सीजन सीजन रहेगा हो ये गए भाई वाला, भाई एग्जैक्टली या दिस इज सो फिफ्थ सीजन रनिंग मे बी जहाँ पे वो कंसिस्टेंटली इतना अच्छे से खेलते जा रहा है। आई स्टिल रिमेम्बर इट ऑल स्टार्टेड विद दैट, वो जो चैंपियंस लीग फाइनल हारे थे लिवरपूल उस सीजन में इसका ब्रेक थ्रू हुआ था शायद से, जब ये चैंपियंस लीग फाइनल भी खेला था तो सब लोग बोले थे कि अरे ट्रेंट अभी बच्चा है तो वो फिर भी इतना अच्छा खेला करके, और ही नाउ प्लेड दैट वी सीजन मतलब पूरा एग्जैक्टली ऑलमोस्ट तो नाउ वी सी पीपल टॉकिंग अबाउट हिम एज वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स और वन ऑफ द बेस्ट वन डिफेंडर्स ऑफ आउट द देयर, वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट मतलब उसमें बट एक करेक्शन है आदि, कि वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग राइट बैक, अटैकिंग राइट बैक ही इज नॉट यस गुड ट्रू इन दैट डिफेंस यार, ही इज नॉट गुड ट्रू इन दैट डिफेंस इज वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग राइट बैक अटैकिंग इज द राइट राइट वर्ड,
मतलब अगर तेरे को उसमें तो फ्लॉप हैंड्स भी करना डाउन हो और ये सब टाइप का, अगर टीम प्रेशर में ना हो और तेरे को गोल मारना है, तो ट्रेंट से अच्छा राइट बैक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ब्रो, लोग जब क्या बोलते हैं पैलेस के सामने डार्विन नूनेज के रेड कार्ड के बाद, ब्रो ट्रेंट वाज प्लेइंग लाइक स्ट्राइकर ब्रो, मतलब उतना वो घुस घुस के खेल रहा था अंदर आगे, तो और उसका ऐसा है भाई ट्रेंट आज का का। भी जो इसका गोल था वो अपने पोजीशन में था नहीं, वो थोड़ा हाँ सेंटर भाई में आकर उसने मारा है। वो तो तो है ही है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर क्लॉप आइडियोलॉजी देखो ना, तो ट्रेंट को ना उसने काफी ओपन रखा है। मतलब फ्रीडम टू रोम ही दिया है कैन बी, ही उसने। कैन बी अ सेंटर मिड, ही कैन बी अ राइट बैक, ही कैन बी अ राइट विंगर। तो वो उसको फ्रीडम वो टू, वो लाइसेंस फ्रीडम टू है। रोम दिया है क्लॉप ने इसको कि यू हैव दैट फ्रीडम टू गो अबाउट विथ तू योर ये चीज रॉबर्टसन में डूइंग नहीं देखेगा, सॉर्टेड भाई, क्योंकि वो डिफेंसिवली सॉर्टेड है ना वो बंदा। है, बट हाँ अटैकिंगली भी वो काफी अच्छा है यार रॉबर्टसन। अटैकिंगली वो काफी अच्छा है, पर मेनली उसी रीजन की वजह से कई बार उसको सब ऑफ करके फिर सिमिकास को लाया सिमिकास्ट, जाता है फॉर दैट सिमिकास्ट अटैकिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि राइट। रॉबो इज वेरी स्ट्रांग डिफेंसिवली, ही इज नॉट गोना इजिली लेट पास्ट एनीबडी गो, तो वो चीज सबको पता है। बट मुझे सिमिकास के अटैकिंग पे इतना कुछ ऐसा अभी तक ट्रस्ट वस्ट है नहीं कि खतरनाक कुछ कर देगा अगर ये हाँ सब। मतलब रॉबर्टसन इज गुड यार, लाइक He's got, we know कि रॉबो क्या कर सकता है करके, बट एनी हाउ हैप्पी फॉर ऑल द लिवरपूल फैंस आउट देयर जो भी देख रहा होगा कि स्काउज़र्स, फर्स्ट विक्ट्री फॉर द स्काउजर्स, एंड फर्स्ट विक्ट्री आया भी बड़े स्टाइल से, 9 गोल ठोके हो यार तुम लोग। आई एम वेरी मच श्योर कि आज आप लोग मस्त अच्छी नींद लोगे, 9 गोल देखने मिले टीम के। और जब भी बॉबी फर्मिनो का पार्टी होता है तब तुम लोग का अलग ही पार्टी होता है, अलग ही खुशी मनाते हो तुम लोग, तो आई एम वेरी मच श्योर कि तुम लोग सब लोग बहुत खुश रहोगे। और आते हैं द बिग फाइट की तरफ ब्रो, तेरी तो जली होगी ना भाई, तू तो सोचा होगा ना कि हार रहे हैं हम लोग करके। काफी काफी। मैं ऑनेस्टली मैं अपने डैड के साथ देख रहा था ये मैच, और मैं अपने डैड को यही बोल रहा था कि ये 2-0 ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। ब्रो मुझे कितने लोग के मैसेजेस आए थे पता है शिवांग, जब 2-0 हो गया ना, मतलब मेरे सारे एक FPL ग्रुप भाई पे, एक मैंने दूसरा कॉल किया था फैमिली तेरे ग्रुप पे, को। तूने कॉल कर दिया था मेरे को सबको। मैं कॉल पे तेरे को अलग पटेली दे रहा हूँ कि हाफ टाइम पे 2-1 हो जाएगा सिटी करके, बट हाफ टाइम भी 2-0 पे ही गया। बट मुझे 1% का डर नहीं था, मैं तेरे साथ फोन पे भी जब बात किया या जिनके भी जब के मैसेजेस आए थे, क्योंकि ब्रो अभी मतलब पहले मुझे ये डर हुआ करता था शिवांग, लाइक पहले हम लोग एक कमबैक टीम नहीं थे, पहले मतलब पहले एज एन आई मीन इन द पेप एरा, पेलेग्रिनी एरा, मैंचिनी एरा, ठीक है कम बैक हम करते थे बिकॉज हम वैसे सिचुएशंस में आते थे। पेप के एरा में ना हम लोग जब से स्टार्टिंग फर्स्ट 3 सीजन्स या जो भी है खेलने लगे, तब पेप के एरा में कभी ऐसा नहीं था कि हम डाउन जाया करते थे, हम लोग हमेशा अप ही जाता था और गेम उधर ही खत्म हो जाता था भाई, 1-0 टू राइट नील राइट थ्री राइट नील भाई, हाँ ऐसा भाई, अग्रीड हम लोग डाउन जाया ही नहीं करते थे। वो सब अग्रीड भाई, चैंपियंस लीग लास्ट सीजन या लास्ट लास्ट सीजन जब डॉटमंड डॉटमंड से मिले हम डाउन जाके आ पाया, PSG से मिले तब डाउन जाके हम लोग ने रिजल्ट निकाला ऐसे सब, तो तब तब मैंने वो फ्लेवर्स देखा कि ऐसा नहीं है अपन कम बैक नहीं कर सकता, कर सकता है करके। बट देन अभी रेगुलरली अभी काफी बार देख लिया ब्रो, वो प्रीमियर लीग लास्ट डे मैच अगेंस्ट एस्टन विला जो डाउन गए थे अपन साथ देखा था न्यूकासल उसमें जो नहीं न्यूकासल तो लास्ट वीक, आई एम सेइंग लास्ट सीजन लास्ट प्रीमियर सीजन, लीग एस्टन विला, एस्टन विला, 38 राइट, गेम गॉट एस्टन इट विला गॉट के इट गॉट इट। साथ जो हम लोग भाई लिवरपूल टाइटल जीत जाती थी यार, फिर अगर हम लोग वो विन नहीं निकालते थे तो 38th week लास्ट, वो भी वहां पे भी जो कमबैक निकाल के गुंडोगन ने अंदर आके कमबैक निकाल के विन निकाला था, फिर लास्ट वीक जो तू न्यूकासल की बात कर रहा है उसमें भी 3-1 डाउन जाके हम लोग 3-all कर दिया है अवे फ्रॉम होम। आज हम लोग होम पे 2-0 डाउन अगेंस्ट पैलेस जो हमारे लिए एक नेमेसिस जैसा रहा है इतने सालों से, हमें इरिटेट करता रहा है इतने टाइम से, भाई उन लोग से 2-0 डाउन जाके ठीक है मैं उदास था, तो बट आई वॉज नॉट फियरिंग कि हम फर्स्ट लोग के साथ गोल, होगा। फर्स्ट गोल काफी लकी था, मतलब उसमें नहीं स्टोन्स भाई को भी नहीं ठीक पता था कि है, वो किधर बॉल जा रहा है, कहाँ अच्छा पे, तो ऑब्वियसली उनकी उनकी बात कर रहे हैं। हाँ भाई उनकी उनकी फर्स्ट गोल तो भाई टोटली फॉर्चुनेट थे उनकी वो गलती लोग कि हमारा हमारे 2-3 प्लेयर को लग के रिकिशे रिकिशे होके फुल स्क्रैपी गोल भाई। जैसा गया जैसा। मतलब थोड़ा तुम लोग अनलकी थे उसमें, टू बी वेरी हाँ ऑनेस्ट। सेकंड गोल बहुत अच्छा था एंडरसन का, मतलब
और हम लोगों ने बात भी किया था भाई कि एंडरसन इज द प्लेयर टू वॉच, मतलब वो काफी वॉच अच्छा क्रिस्टन खेल रहा है पैलेस भाई में, वो बंदा, मतलब डिफेंसिवली भी, और अभी आज स्ट्रॉन्ग उसने स्कोर भी डिफेंसिवली किया। और इनसाइड द बॉक्स हमेशा उनके लिए थ्रेट भी रहता है जब सेट पीस वगैरह होता है एंडरसन, तो वो उसने आज दिखाया भी। और क्रेडिट टू एबरिची एज ए मैन कि उसने फटाफट अच्छा बॉल डाला वहाँ पे और हम लोग स्विच ऑफ था, वो लोग ने फायदा उठा लिया भाई। यही मेरे को नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी टीम भी ना अभी तक, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था जब अपनी टीम की बात कर रहा था कि हम लोग अभी तक हमारे टॉप गियर पे है ही नहीं शिवांग, हम लोग ने वो गियर्स हमारा स्विच किया ही नहीं है टॉप गियर का, तो और वही मैं रीजन एक चीज है। बोलना चाहता हूँ, हाँ जब तेरे बोलने से पहले मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, तो हाँ आफ्टर सेकेंड हाफ टीम में जो एक इग्निशन जो डाला ना, वो इसी बंदे ने डाला जिसका फोटो लगाया हमने, बर्नार्डो सिल्वा। भाई एब्सोल्युटली इट्स ब्रो, नॉट बिकॉज ऑफ हालांड, इस बंदे की बहुत कम तारीफ की जाती है हमारी टीम इट्स में नॉट भाई। बिकॉज ऑफ हालांड कि तुम लोग जीते हो, इट्स बिकॉज नो ऑफ हिम, ब्रो इट्स भाई, बिकॉज ऑफ हिम। उसने उसने वो जो इग्निशन दिया है, वो जो जो स्टाइल का गोल भी मारा है भाई, और उसके फर्स्ट गोल बाद वॉज एवरीबडी वाज क्रेजी, सुपर पासिंग क्रेजी। हिम एंड सेकेंड एवरीबडी गोल वाज आफ्टर दैट पासिंग हिम ओनली द बॉल, क्योंकि तू भाई कर बर्नाडो, तू सेक्सी खेल रहा है करके। और वो फर्स्ट गोल के बाद फिर बाद में पेप ने सब्स्टिट्यूशन लाया अल्वारेज और गुंडोगन, अगेन क्रेडिट टू पेप, आई एम हैप्पी उसने ये टाइम सब्स्टिट्यूशन किया और हम लोग निकाला कुछ करके। और वो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं सिर्फ शिवांग, उसने टैक्टिकली चेंज किया, जब उसने अल्वारेज और गुंडोगन फेंका ना अंदर, उसने कैंसेलो अपना फुल बैक को बिठाया और रियाद मारेस राइट विंग से निकाला, लेफ्ट बैक और राइट विंग निकाल दिया। ही ट्राइड टू मैच क्रिस्टल पैलेस, देन क्रिस्टल पैलेस वॉज हाँ प्लेइंग थ्री एट द बैक जैसा हाँ वो लोग लिवरपूल के सामने खेला सेम था, टू तो सेम वो उसने लोग किया, उसने सेम टू मैच कर सेम उसने दिया। फॉर्मेशन बदली। हमारा भी थ्री सेंटर बैक्स था बर्नाडो, सिंस ही वॉज प्लेइंग सो सेक्सीली। और बर्नाडो का यही बात तो सबसे प्यारी है यार कि वो इतना वर्सेटाइल है, तुम उसको किधर भी खिला दो शिवांग, वो खेलेगा ही खेलेगा, अपना और हंड्रेड अच्छा ही परसेंट खेलेगा देगा भाई। भाई, अपना और हंड्रेड हम परसेंट देता है लोग वो हमेशा। तो लास्ट पॉडकास्ट में भी बात कर रहे थे कि बर्नार्डो सिल्वा इज अ वेरी अंडररेटेड प्लेयर इन योर टीम। मतलब उसको मतलब चाहिए, उसको नहीं, सॉरी, उसको नहीं चाहिए वो फेम, उसको नहीं चाहिए वो, बट एटलीस्ट रेट हिम एज अ 5-स्टार प्लेयर, बिकॉज ही इज अ फाइव स्टार एब्सोल्युटली प्लेयर। एब्सोल्युट, अरे ब्रो तो क्यों हम लोग उसको नहीं बेचने दे रहे? तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को क्या लगता है? हर विंडो आता है ब्रो, लास्ट विंडो भी यूवेंटस या और भी कोई क्लब था जो इसके तरफ इंटरेस्ट लेकर आया था, ये विंडो पे भी अभी बारसा आया, पीएसजी आ रहा है, सब अबे हर विंडो इस पे आता है यार प्लेयर्स। और ब्रो आई जस्ट रेड न्यूज की जब पीएसजी आया, पीएसजी को ना बोलने का रीजन वाइटल यही था कि बर्नाडो अगर पीएसजी गया तो वो पीएसजी को चैंपियंस लीग हमारे पहले जिताने में हेल्प कर देगा करके, इतना हाई उसका। मैं ये नहीं कह रहा हम जीतने वाले करके, मेरे को पता है कि तू उस पर ही अभी हंस रहा है और मजाक उड़ा रहा है ये सब करके, ठीक है यार, होप इज द बिगेस्ट पोप, मैं वो सब बातें नहीं कर रहा कि हम जीत रहे हैं ये सब करके, बट आई एम ट्राइंग टू से कि ये बंदे का क्वालिटी क्या है करके, या इसको रेट नो किया किस डाउट तरीके भाई, से किया जाता नो है डाउट। फ्रॉम द मैनेजर्स टैक्टिशियंस एंड एवरीबडी आउट देयर इन द कोचिंग स्टाफ, उनको पता है कि ये बंदा क्या है, किस जैस का तो प्लेयर है। फर्स्ट गोल आने के पहले तुम लोगों के टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था, दो गोल खाने के बाद कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिसमें वो एक पैशन दिख रहा था कि हम लोग कमबैक करेंगे। फर्स्ट गोल ब्रो इसने पैशन क्रेजी क्रेजी मारा, सेकंड गोल सब कुछ काट वाट के वो एकदम टॉप ऑफ द लाइन गया बॉक्स के अंदर, उसने एक क्रेजी पास दिया रूबेन डियाज को, रूबेन डियाज ऑलमोस्ट मिस कर दिया था, कहीं ना कहीं से वो हालांड के पास गया और हालांड का इजी टैप इन। बट हाँ भाई भाई, इट्स नॉट अबाउट द गोल, इट्स अबाउट दिस प्लेयर भाई, बर्नार्डो सिल्वा। और मैं भाई इसके बहुत मूवमेंट से ही आया था वो जो तू बोल रहा है, इसने बॉल डाला था फिर उसके बाद फोडेन के पास पहुंचा और फोडेन ने खिलाया था हैलैंड को फॉर द थर्ड गोल। वो सेकंड गोल था, मैं हाँ थर्ड गोल का बात थर्ड कर रहा गोल था मतलब वो। हाँ वही सॉरी हैलैंड का सेकंड सॉरी, गोल केस वो में, थर्ड गोल तो का था। उस उन सब में भी ब्रो अटैक राइट से ही बन रही थी। एल्वारेस भी जो अंदर आया जूलियन एल्वारेस के लिए, वेरी मच कूडोस टू दैट गाय, बहुत कम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं, वेरी मच कि सब लोग हैलैंड 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 ही बोलने वाला है, भाई एग्जैक्टली, मैंने भी इसलिए यही हम लोग चीज बर्नाडो बोला। की भी इतनी बात कर रहे हैं क्योंकि सब लोग हैलैंड का ही बात करेगा, विच इज वेरी मच श्योर बिकॉज ही इज द सुपरस्टार, हैट्रिक मारा है भाई ने तो ही डिजर्व्स इट, बट एक्चुअल इनिशिएटर जो मैजिक मैजिक जिन्होंने दिखाया ना पिच में, एक तो आउट एंड आउट बर्नाडो था जो फर्स्ट गोल लाके दिया, और उसके बाद भी जो इस तरीके से वो लाइवली था भाई, मैं तो
मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि ये प्लेयर हमारे क्लब से निकले करके, मैं रो दूंगा जब इस जिस दिन ये निकलेगा ना टीम से, टोटली बिकॉज वो काफी सैड होगा भाई अगर ये तुम लोग के टीम से निकले, क्योंकि अभी मैंने ऑब्वियसली पेप को इसका वर्थ पता है भाई, इसका पेप को अच्छे से पता है भाई, पेप वर्थ इसको पता है नहीं पेप जाने को, क्योंकि देगा। तू देखना अगर जैसे ही इसका वो सॉर्ट हो गया कि इसको नहीं जाने दे रहे, उसको बैक टू बैक स्टार्ट दे दिया ना प्रीमियर लीग में अभी। और सीधा हमने फैंटेसी प्रीमियर लीग वाले एपिसोड वाले पॉडकास्ट में भी कहा था कि बर्नार्डो बर्नार्डो इज द प्लेयर 6.8 टू कीप मिलियन पिक। ले लो ले लो ले लो करके। भाई देखो यार, हम लोग अच्छी टिपी दे रहे हैं, हमने गुंडोगन का भी बोला था, गुंडोगन ने स्टार्ट नहीं किया बट अंदर आके असिस्ट दिया भाई डायलॉग। तो ब्रूनो हम लोग ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया कि किसका भी जो भी टिप दिया, दोनों भी डिफरेंशियल अच्छे बैट्स थे। हॉलैंड तो सबके पास होगा ही होगा, बट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट दी अदर वर्ड्स जो पब्लिक शायद सो मिस आउट कर देगा बात अभी करना। मैं बस हालांड का बात नहीं करूंगा। सो इन फुटबॉल आल्सो हमेशा ऐसा होता है कि एक क्रिएटर जो होता है, एक मिडफील्डर जो होता है, एक विंगर जो होता है, वो हमेशा बॉल क्रिएट करता है स्ट्राइकर के लिए, लेकिन जितना फेम, जितना नेम, जितना सब कुछ होता है वो स्ट्राइकर लेकर चला जाता है। स्ट्राइकर ले तो जाता है। ट्रू इट्स समथिंग सैड थिंग अबाउट फुटबॉल। True that, bro. It is true, absolutely true. But the OGs, the ones who see it more, क्या कहते हैं, मोर ऑफन intricately, या और फिर फुटबॉल फैन। और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर देखने वाले लोग होते हैं, उनको पता होता है कि एक्चुअल मजिशियंस कौन है, या उनको पता होता है कि असली में कौन खेल जाता है करके। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आज के गेम में ठीक है हैलैंड सारा हेडलाइंस ले चला जाएगा, बट बर्नाडो यार न्यूकासल के गेम में भी ड्रॉ कराने में इट वाज बर्नाडो जिसने पूरा किया। आज के इसमें भी भाई तू कह रहा था ना कि तब तक कुछ नहीं हुआ था ब्रो, बर्नाडो के वो गोल तक ना एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था सिटी का, मैं पता वही बोल रहा हूँ भाई, मैंने वही तो तेरे को बोला। है, एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था। हमने पिछले इसमें ठीक है बर्नाडो की बात कर ही रहे हैं, तो बर्नाडो का ये गोल वॉज अ माइलस्टोन अचीवमेंट फॉर हिम, इट वॉज हिज 50th गोल इन मैन सिटी कलर्स। सो बर्नाडो रिस्पेक्ट यू मैन। हमने बॉबी फोमिनो का बात करते टाइम एक चीज मिस आउट कर दिया लिवरपूल फैम, आई एम सॉरी आई विल से इट, बॉबी फोमिनो ऑल्सो रीच्ड अ माइलस्टोन, 100 गोल्स फॉर लिवरपूल हो गया सर बॉबी का। तो इट वॉज अ डे ऑफ माइलस्टोन्स, एक और माइलस्टोन आगे आएगा, वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। और अब जब हम जिसकी बात कर नहीं रहे थे, अब उसकी बात कर लेते हैं कि बंदे ने बोल तो दिया है कि मैं आ गया हूँ बॉयज भाई, तो लेकिन कुछ अभी भी अभी बोल अभी शिवांग, हाँ तू बोल पहले चल। भाई हम लोग जो हमेशा बात कर रहे थे सीजन स्टार्टिंग के पहले और स्टार्टिंग के बाद भी, कि हालांड क्या स्टील डील है तुम लोगों के लिए। ब्रो सिक्सटी सिक्सटी बोल मिलियन बोल बोल साइनिंग, 60 मिलियन साइनिंग, लोग बेकार में इसको कंपेयर कर रहे हैं डार्विन नूनेस के साथ। मतलब कम ऑन यार, लुक एट डार्विन नूनेस एंड लुक एट एरिक ब्रूट हालैंड। मतलब दिस गाय इज कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यार। मतलब इज अ प्रॉपर स्ट्राइकर, इज लीथल, इज अनमैचेबल यार। अभी एट दिस मोमेंट मेरे को लगता है हालैंड इज द ओनली वन हु कैन कम्पीट विद एम्बापे। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, एज अ स्ट्राइकर विथ दिस एज, 22, बोथ आर 22, सो बस एक हालैंड ही है जो ब्रो एम्बापे से कम्पीट कर सकता है अभी एट सच दिस कहूँ मोमेंट। तो ये बहुत अभी शायद अनपॉपुलर ओपिनियन होने वाला है मेरा, बट मैं रखना चाहूंगा कि मेरा ओपिनियन है। मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे मैसेज किया था मैच के बीच में कि एट द मोमेंट हैलैंड एवरेज खेल रहा है, नो डाउट नो डाउट, एट द मोमेंट। और एवरेज एवरेज खेलते हुए 6 प्रीमियर लीग गोल हो गए भाई के 4 गेम में। और हाँ एग्जैक्टली बात ये है, मैं अनपॉपुलर ओपिनियन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई ऑल्सो अग्री विद यू ऑल, वो शायद एवरेज खेल रहा होगा अभी फिलहाल, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सिटी खुद अपने टॉप गियर पे नहीं है फिलहाल, तो नेचुरली ये प्लेयर भी जो नया आया है पहली बार लीग खेल रहा है प्रीमियर लीग, बच्चा है नए टीम में खेल रहा है, एवरीबडी फॉरगेट्स दिस फैक्ट दैट कि वो बच्चा है अभी भी, ठीक है सुपरस्टार है इतना बिग नेम है सब है, बट वो बच्चा है इन दी एंड, नया प्लेयर आया है नए लीग में खेलने, प्रीमियर लीग वन ऑफ द टफेस्ट टॉप लीग इन फुटबॉल आउट देयर, और आकर एवरेज खेलते हुए वो 4 गेम में 6 गोल पे है भाई, 6 गोल पे हो थर्ड मैच हैट्रिक मार दिया भाई इस बंदे ने, और क्या चाहिए।
भाई सेकेंड गेम एवर प्लेइंग इन एतिहाद, भाई ने हैट्रिक मार दिया है। और यार ही इज मेंट टू स्ट्राइक इट ऑफ ब्रो, मतलब ही इज एग्जैक्टली द प्लेयर दैट सिटी नीडेड, कि एक ऐसा स्ट्राइकर जो स्ट्राइकर। पेशेंटली रहे बस इनसाइड द बॉक्स वेन एवर द बॉल इज डिलीवर्ड, और तो वो रहने वाला है यार। सिटी के लिए ये चीज अच्छा हो गया कि लास्ट सीजन तुम लोगों ने केन साइन नहीं किया। मैंने भाई लास्ट सीजन तुम मैंने लोग ट्रॉफी उठाई, वैसे भी प्रीमियर फिर भी लीग लिया हमने जीता तुम ट्रॉफी, ठीक लोग। है एग्जैक्टली मैं यही बात पे आ रहा हूँ शिवांग, कि मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज किया कि ये गेंद नहीं आया, मजाक मजाक उड़ाया मेरा कि और मैंने तुमने खुद ग्रीलिश उड़ाया ले था यार कि लिया, ग्रिलिश को और क्यों तुमने लिया, केन ग्रीलिश को ले क्यों नहीं लिया लिया। करके। मैंने सबको एक ही चीज रिप्लाई किया था, कोई बात नहीं भाई नेक्स्ट विंडो में हैलैंड आएगा। सब मेरे पे हंसे थे, सब हंसे थे, अब मैं उन पे हंसना चाहता हूँ। अभी मैं हंसना चाहता हूँ उन पे, अरे भाई तू कह रहा है स्टील डील हो गया इतने सस्ते में ले लिया, अब मैं हंसना चाहता हूँ भाई उन पे। मैं तो तभी बोल दिया था मैंने कि अरे केन नहीं आया तो कोई सीन नहीं, नेक्स्ट विंडो में हम लोग हैलैंड ले लेंगे करके। आ गया ना भाई, अभी सस्ते में आ गया, अभी तो तुम देख रहे हो कैसा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। He's gonna be like there behind you guys, man. आज डाउन गया, उसका पोस्ट मैच इंटरव्यू भी देखने लायक था, ही वॉज सो गुड मैन। मेरे को अच्छा लग रहा है देखते हुए कि उसका मेंटालिटी भी कितना साउंड और सॉर्टेड है। वो बोल रहा है कि इसी इसी रोल और यही चीज के लिए तो आया हो, कि वेन द टाइम इज नॉट वेन एवर आई एम नीडेड इन द राइट डिसाइसिव मोमेंट्स आई डिलीवर इट एंड आई नीड टू कीप वर्किंग हार्ड। सो आई एम राइट सो हैप्पी फॉर अर्लिंग हैलैंड दैट यू केम इन, यूर न्यूली देयर, तू यंग है इतना, न्यू लीग आते हुए न्यू टीम आते हुए तू इजिली सेटल हो चुका है अंदर, और दैट्स अ बिग गुड न्यूज फॉर अस, ग्रेट न्यूज फॉर यू अर्लिंग हैलैंड। और ठीक है हेटर्स आर गोना हेट यार, बहुत लोग जलने वाले हैं, शिवांग की भी बहुत जली रही है कि हैलैंड इस तरीके से ठोक रहा है हमारे में, तो ये तो बात मुझे पता है, पर टॉप नॉच प्लेयर, आई एम इन लव विद हिम कि वो अपने में खेल रहा है, और मुझे तो मजा आ रहा है क्योंकि स्ट्राइकर, आई एम अ बिग स्ट्राइकर फैन, और सिटी में अग्वेरो का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, लाइक अग्वेरो वॉज द रीजन वाई आई फेल इन लव विद द क्लब विद हिज 93-20 मोमेंट एंड एवरीथिंग। तो और उसके बाद से हमारे पास फिर वो स्ट्राइकर, ठीक है गैबीजे था बट ही केम इन ऑन अ डिफरेंट रोल टू प्ले, और ऐसा सब हुआ, अभी जाकर वापस एक ऐसा स्ट्राइकर आया है जो एक वो रोल खेले, और पेप इज ऑल्सो रिलीव मैन, मतलब 2-0 डाउन जाके भी एक ऐसा प्लेयर है तेरे पास कि गोल्स आएगा करके, और मतलब आई एम वेरी हालैंड हैप्पी। हालैंड इज अ काइंड ऑफ प्लेयर कि मतलब वो तुम्हारे मैनेजर को हमेशा खुश ही रखेगा। मतलब ये कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, एब्सोल्युटली ये कभी डिसअपॉइंट एब्सोल्युटली नहीं करेगा तुम्हारे मैनेजर को। तो वो चीज एक इसमें प्लस पॉइंट है, प्रोज है हालैंड का। सो वेरी गुड ब्रो, मतलब मेरे को तो बहुत सही लगा यार, वो हेडर मार सकता है, रनिंग गोल, वो थर्ड गोल जो उसने हैट्रिक वाला गोल मारा गुंडोगन के बॉल पे, अच्छा एंड गोल था। आई एम हैप्पी कि पेप ने सब्स्टिट्यूट करके गुंडोगन को अंदर लाया, बिकॉज आज का गेम जैसा जा रहा था ना शिवांग, गुंडोगन वॉज एग्जैक्टली द टाइप ऑफ प्लेयर दैट वी नीडेड ऑन पिच, हाँ टोटली टोटली समझ रहा है तू, और टोटली। वो आया और उसने ही वो एग्जैक्टली वो बॉल खिलाया जो हालैंड को चाहिए होता है, वो हाँ रन हाँ वही बनाने वही का। बोली था। और स्पेशली मैं हालांड का एक चीज बोलूंगा, इसका माइंडसेट काफी स्ट्रांग है। मतलब इसको इसकी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बैंग ऑन है। उसको पता है कहाँ पे कौन सा पोजीशन लेके कैसे शूट करना है, कहाँ पे हेडर मारना है, कहाँ पे लेफ्ट फुट, कहाँ पे रॉन्ग फुट अपना यूज करना है। सो ये चीज अगर किसी स्ट्राइकर में आ गया, जो जितने भी अभी टॉप नॉच स्ट्राइकर्स हैं, जितने लेजेंडरी स्ट्राइकर्स हैं, उनके पास ये स्किल्स थे और तभी वो जाकर लेजेंडरी स्ट्राइकर्स बने। और ये चीज सही बोल हालांड रहा है, में नजर काफी अच्छी क्वालिटी है कि तो आ उसको, गया है, यस हाँ कि ब्रो। उसको पता है कि वेयर टू यूज हिज राइट फुट, वेयर टू यूज हिज लेफ्ट अरे फुट, कहाँ मैंने वही पे जो तू हेडर अभी मारना है। राइट फुट वाला एग्जांपल बोल रहा है, गेम में आज एक इंस्टेंस हुआ भी था जहाँ पे ये कीपर को ऐसा स्क्वायर ऑफ करके ऐसा आता है एक अक्यूट एंगल पे, और तभी उसने ट्राई भी किया था लेफ्ट साइड पे हाँ हाँ शायद हाँ नेट पे मारा था उसने, नेट पे मारा था साइड उसने। नेट कर दिया था उसने, तो उससे समझ आता है यार कि दिस प्लेयर बैक्स हिमसेल्फ इन मेकिंग दोज डिसीजंस, एंड आई रियली लाइक टू सी दैट, कि स्ट्राइकर है तो तू खुद पे बैक कर रहा है कि मैं ऐसे ऐसे खेल के भी डाल दूंगा करके। राइट राइट और कमबैक मैचेस की बात कर ही रहे हैं, तो आज एक और बढ़िया कमबैक देखा हमने, अच्छा भाई, टोटली सरप्राइज कि गैब्रियल ने गोल मारा। टोटली यार सरप्राइज, और वो भी विनर गोल। देख सबने सोचा होगा कि कोई दूसरा गैब्रियल मारेगा, या तो मार्टिनेली या हेसुस, बट मार दिया भाई डिफेंडर वाले गैब्रियल ने, तो कोई बात नहीं, बट उसी की मिस्टेक की वजह से उन लोगों ने फर्स्ट गोल खाया भी आया था था अपने
अपने मिट्रोविच भाई से, तो इन अ वे उसने रिडीम कर दिया खुद को एंड में आके गोल मार के और विनर दिखाकर। बट ऑल द बैंटर एंड जोक्स अपार्ट, बट आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद आर्सेनल डूड यार। 4 गेम्स नाउ, 4 विन्स, 12 पॉइंट्स, और ओनली टीम विद 100% रिकॉर्ड। आज तो कमबैक भी किया उसने, और स्पेशली कैरेक्टर दिखाया यार। मैं जो मेरा पर्सनल फेवरेट जो है इस टीम में बुकायो साका, उसने फर्स्ट गोल इन्वॉल्वमेंट दिखाया इस मैच में, एक असिस्ट दिया, तो हाँ, जो ओडेगार्ड ने फर्स्ट गोल मारा फर्स्ट भाई, गोल मारा था कम। हाँ मैं बहुत शॉक किस बात से हूँ पता है, कि यही यही आर्सेनल ना यही मोमेंट्स पे पहले स्ट्रगल किया करती थी। एग्जैक्टली, ये मोमेंट्स जो वो हाँ बोल 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 ये बोल। मोमेंट्स वो लोग स्ट्रगल किया करती थी, क्योंकि जब 1-0 डाउन हुआ था ना, मेरे को 2-3 आर्सेनल फ्रेंड्स का हमारे बैंटर ग्रुप पे ऐसा मैसेज आ गया था कि द फर्स्ट फर्स्ट लॉस इनकमिंग या फर्स्ट एल इनकमिंग, ऐसा वो लोग डाउन हो गए थे। मतलब दीज आर आर्सेनल फैंस हा गाइस, लाइक आई एम नॉट क्रिएटिंग दिस अप, कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ उसे शेयर करने। आर्सेनल फैंस ही है ये जिन्होंने ऐसा मैसेज किया कि शिट यार, फर्स्ट है फर्स्ट लॉस इनकमिंग करके। मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि चोकिंग अभी स्टार्ट हो गया है, जब 1-0 डाउन गए थे ये लोग। तो मुझे भी जब आर्सेनल फैंस के ऐसे मैसेज आए ना, तो मैंने भी सोचा कि ज्यादा से ज्यादा आर्सेनल शायद ड्रॉ कर देगी, इक्वलाइज कर देगी, एग्जैक्टली भाई, ये मैंने सोचा। पर सेम सेम सेम। ऑल क्रेडिट टू आर्टेटा एंड देयर बॉयज, की वो लोग ने कैरेक्टर दिखा के निकाला। और होम क्राउड, और होम क्राउड ने भी आज, क्राउड भी मतलब क्राउड ने आज जिस तरीके से सपोर्ट किया ना, क्राउड सेंसेड ब्रो कि वो लोग जीतने वाला है करके। इट वाज नॉट लाइक अर्लियर ब्रो, मतलब वो पहले ना क्राउड को पता लगता था कि अरे अभी आर्सेनल चोक करेगा, अभी हारेगा करके। आज वैसा नहीं था एटमोसफियर ब्रो स्टेडियम में भी, उनको पता था कि बॉयज लाएगा गोल मारेगा करके। तो वो सब देख के ना थोड़ा ऐसा शॉकिंग जैसा हो गया कि यार आर्सेनल। भाई आर्टेटा आर्टेटा के आने से और स्पेशली इस सीजन में ना, मेरे को मेंटालिटी और आइडियोलॉजी जो आर्टेटा का है वो काफी स्ट्रांगली सामने आ रहा है कि यार वी आर हेयर टू विन। ट्रू दैट, ट्रू ट्रू। हम लोग इधर यार ऐसा कॉर्न खाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि मतलब अगर हम लोग हार रहे हैं तो हम लोग सीधा डिफेंसिव हो जाएं और एक और गोल ना खाएं। वी बिल्कुल आर भी नहीं हेयर था टू ऐसा। विन, हम लोग आएंगे, हम लोग स्कोर करेंगे और जीत के जाएंगे। तो ये उसके आइडियोलॉजी तो सब्स्टिट्यूशंस, अभी तूने उसके बोला, सब्स्टिट्यूशंस भी अच्छे थे भाई। एनकेटिया एनकेटिया को भी उसने यस अंदर फेंका कि भाई गोल चाहिए मेरे को, तो चाहिए करके। और फिर जैसे ही 2-1 हुआ, उसने हेसुस को बिठा के टोमियासु लाके डिफेंस हाँ वापस उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया। अभी भाई सिक्योर सो करो इट वो चीज, अभी तुमको वाज 3 पॉइंट गुड यार, चाहिए। अच्छा था। तो अभी जैसा तूने बोला कि वो पहले नहीं दिखता था, और सेम मेरे को भी नहीं दिखता था, और नॉट इवन किसी आर्सेनल फैन को भी ये चीज कभी नहीं दिखता होगा अभी प्रीवियस 6-7 साल में। मेरे को लगता है कि ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं नजर आती थी। तो अभी वो आइडियोलॉजी और वो मेंटालिटी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है आर्सेनल की, और टॉप ऑफ द टेबल है अभी। भाई मतलब मैं अभी जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ आर्सेनल को देखने की। गेम वीक 6 में वो लोग तुम्हें मिलने वाले हैं, तो काफी मैं इंटरेस्टिंग मैच एक्साइटेड होगा भाई हूँ। वो, एग्जैक्टली, मैं काफी एक्साइटेड हूँ देखने इंटरेस्टिंग, काफी की एक्साइटिंग मैच। कैसा कैसा टर्नअप होने वाला है। मतलब व्हाट काइंड ऑफ एन आर्सेनल तभी आएगा खेलने, और व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड आएगा तभी खेलने, और आपस में तुम्हारे बीच क्या होगा करके, वो देखने के लिए एक्साइटेड हूँ मैं कि यार आर्सेनल इतना अच्छा खेल रहा है अभी। अगर ये लोग भाई शुरू में ही अभी ऐसा विन रन पकड़ लिया, अगर तुम्हारे साथ भी ले लिया 8-10 गेम पूरा स्टार्टिंग का विन ले लिया भाई, तो यार ये लोग का कोई पकड़ नहीं पाएगा फिर यार उसके बाद तक। तो दे आर लुकिंग वेरी सॉलिड डूड। सो मतलब अगर स्पेशली अगर आज अगर आज आज स्पेशली सिटी जैसे हार कमबैक जाती, लाया। क्या अगर आज सिटी बोल हार रहे हैं? जाती, अगर आज सिटी हार हाँ जाती तो काफी शॉकिंग होता। मतलब कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने ये सोचा होगा, नॉट इवन एन आर्सेनल फैन जिसने ये सोचा होगा कि 3-4 गेम वीक के बाद हम लोग टॉप पे होंगे। और वो चीज है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आज सिटी हार जाती तो आर्सेनल ही जीतती टाइटल, ऐसा नहीं बोल रहा। बट ऑब्वियसली वो लोग टॉप 4 के अंदर आते ही आते हैं। टॉप 4 तो यार आर्सेनल मेरे को नो ब्रेनर अभी भी लग मेरे रहा को है, लग रहा है कि नो नो ब्रेनर लग रहा है। मतलब मेरे को लग रहा है कंफर्म, मेरे को तो सेवेंटी मतलब परसेंट चांसेस टू टू अर्ली टू से, बट अर्ली टू स्टे, इसीलिए मैं बोल रहा आई हूँ। फील लाइक दे आर टाइटल कंटेंडर्स यार। मतलब कंटेंशन के लिए ट्राई करेंगे करके, क्योंकि
ये लोग है यूरोपा लीग में, नॉट इन चैंपियंस लीग. सो आई डोंट नो अभी आर्टेटा कहाँ प्रायोरिटाइज करेगा. आई फील लाइक हिज प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी इन द प्रीमियर लीग, नॉट यूरोपा लीग. अगर मुझे नहीं समझ आ रहा प्रॉपरली देखा कि जाए मुझे नहीं तो समझ आ रहा ब्रो कि ये लोग का कहाँ पे लैक होने वाला है करके. लाइक दे आर लुकिंग वेरी गुड ब्रो, पूरा यंग टीम है, एनर्जी इज गुड इन द ड्रेसिंग रूम. और और सब लोग हाँ कह रहे हैं यार कि हेसूस के हेसूस देख आज भी ठीक है, आज वो गोल में इन्वॉल्व नहीं हो पाया, बट उसका गेम प्ले में इन्वॉल्वमेंट या जो फील्ड पे वो दे रहा था वो सबको नजर आ रहा है यार कि ही इज डूइंग व्हाट्स नीडेड करके. और उसके आने से और उसके खेलने से साका मार्टिनेली ये लोग सब लोग ना थोड़े काम हो चुके हैं अभी. मतलब वो लोग भी प्रेशर में नहीं है कि हमको करना है कुछ, ये करना है वो करना है करके, थोड़ा ईज आउट हो गया है राइट टीम राइट में. तो आई डोंट नो ब्रो, मतलब मैं श्योर हूँ तू नहीं कहेगा कि ये लोग टाइटल कंटेंडर्स है, पर मुझे काफी हद तक लग रहा है कि ये लोग टाइटल कंटेंडर्स जैसा. मतलब तूने कहा था एक फर्स्ट पॉडकास्ट में आर्सेनल के बारे में कि एक सिल्वर वेयर पक्का है इनका, मे बी एफ ए कप, कैरबा और यूरोपा लीग, माइट नॉट बी प्रीमियर लीग करके तूने कहा था कि एक सिल्वर वेयर पक्का है. पर मुझे लग रहा है कि वो लोग प्रीमियर लीग कंटेंडर्स होने वाले हैं ब्रो. मतलब आई फील कि मतलब इफ नॉट द टाइटल, पॉसिबल है भाई। दे लुक लाइक अ टीम दैट कैन फिनिश सेकंड थर्ड ब्रो. मतलब नॉट अ टीम जो फोर्थ स्ट्रगल करके फिनिश करेगा, ऐसा मेरा मानना है. आर्सेनल फैंस अगर आप देख रहे हो तो आप लोग भी अपना व्यूज प्लीज शेयर कीजिए कमेंट्स में, टोटली। और अभी आपको क्या अच्छा लग रहा है आर्सेनल के टीम के बारे में वो भी शेयर कीजिए। वो भी प्लीज बताइए. आपका फेवरेट प्लेयर कौन है फिलहाल, और आपका जो कुछ भी है, आपका टैक्टिक्स जैसा जा रहा है, आपका कुछ प्रेडिक्शन कि फर्स्ट 10 गेम्स में आजकल 10 गेम्स के बाद भी टॉप पे रहने वाला है या नहीं, प्लीज़ अपने ओपिनियंस शेयर कीजिए कमेंट्स पे. और अगर इतने देर तक हमारे साथ बने रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सारे फुटबॉल फ्रेंड्स, फुटबॉल ग्रुप्स जिस जिसमें भी हो थोड़ा बैंटर करते रहिए, बिकॉज वॉट्स फुटबॉल विदाउट सम बैंटर गाइज. टोटली और शिवांग तेरा भाई भी आर्सेनल फैन है जो वो वहीं पर रहता है, और मैं तो श्योर हूं कि वो तेरे साथ तो फुल बैंटर कर रहा होगा कि ए लोन फुल भाई. ऑन फुल ऑन फुल ऑन। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो हम लोग का ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्लीज लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो हम लोगों को, और प्लीज बताते रहो कि और क्या हम लोग कर सकते हैं। लाइक यस प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स कि क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप लोग को क्या अच्छा लगेगा अगर हम ये चीज़ करें, और क्या कुछ नया करें करके. प्लीज़ हमें शेयर करते रहिए, कम्युनिटी बनाने में हेल्प करिए, और फॉलो कीजिए ऑन ऑल आर सोशल मीडिया हैंडल्स, हम नीचे शेयर कर रहे हैं उसे. स्टे कनेक्टेड गाइस, स्टे और सी कनेक्टेड। यू ऑन द अदर साइड. बाय बाय।